हेलो दोस्तों, टिकी कोचिंग लाइफ स्टूडियो में आपका वेलकम। आज हम फूल का सचित्र वर्णन बताते हैं। देखिए फूल के बारे में कितना है आपको नोट भी दे देते हैं और इसकी लेक्चर भी बता देते हैं आपको। एकदम सरल भाषा और सरल एकदम इजी लैंग्वेज में आपको याद करवा देते हैं। सब लोग अपनी कॉपी खोलिए और सब लोग मेरे साथ रेडी हो जाइए। देखिए कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है, जल्दी सब लोग आप रेडी हो के रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए फूल आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए फूल कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। देखिए फूलों का जिसमें अध्ययन करते हैं उसे एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फूलों का जिसमें अध्ययन करते हैं देखिए उसे क्या कहते हैं, उसे एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए इस तरह फूल बनाइए और देखिए इस तरह बहुत ही बहुत फास्ट बनाते हैं। देखिए ओके माय डियर, बहुत तेज बनाइए। ठीक, अब देखिए फूल का जो ये वाला भाग इसको वृंत बोलते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ देखते चलिए, फूल का देखिए ये जो भाग है इसको वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। देखिए ओके माय डियर, देखिए ये देखिए आपका देखिए ये पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन। क्या है देखिए पुष्पासन? ये ब्रादर है। ठीक है, ये देखिए दर्पुंज है। क्या है? दर्पुंज है। देखिए यहां से जो ये आ रहा है, देखिए ये जो है आपका क्या है? पुमंग है। पुमंग देखिए ये क्या है? पुमंग है। देखिए कोई भी चीजें हैं आपको जो नेट क्लियर होगी वो आपको हम बताते चलते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो ये भाग है ये वर्तिका है, वर्तिकाग्रह। ये क्या है आपका? वर्तिकाग्रह। देखिए सबको समझ में आ रहा है, सब चित्र बनाते चलिए ताकि सबको जल्दी आ जाए। ओके माय डियर, देखिए बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो में ना बहुत छोटे वीडियो में आपको हम बता देते हैं। देखिए इतना चीजें आपको आ गई। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए पुष्प के जिस भाग को हम पकड़ते हैं उसे वृंत कहते हैं। पुष्प का जिसके पूरा भाग टिका रहता है उसे पुष्पासन कहते हैं। देखिए जो क्या करता है, दल पुंज की रक्षा करता है उसे प्रहदल कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। ये किस रंग का होता है? देखिए इसका जो ये रंग है ये हरा रंग का होता है। ये देखिए हरे रंग का होता है रंग। ठीक है, दल पुंज जो होता है लाल रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे दल पुंज जो होता है ये लाल रंग का होता है। देखिए पुमंग, फूल के नर भाग को क्या कहते हैं? फूल के नर भाग को पुमंग कहते हैं। देखिए पास से पुरुष, देखिए पास से पुरुष, पुरुष होता है ना, तो पास से पुमंग। ठीक है, देखिए और इसका जो ये वाला भाग है, देखिए ये वाला भाग को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग। ओके माय डियर, देखिए जयांग है। पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। नोट भी हम आपको दे देते हैं, पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। ठीक है, देखिए पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। और जो ये दलपुंज होता है, देखिए पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं। पंखुड़ियों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ये किस तरह? ये लाल रंग का होता है। देखिए प्रायदल क्या होता है? दलपुंज की जो दलपुंज की रक्षा करता है उसे प्रायदल कहता है कहते हैं। यह हरे रंग का होता है। ठीक है, दलपुंज के एक भाग को पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। और पुष्प के नर भाग को पुमंग कहते हैं, पुष्प के मादा भाग को जयांग कहते हैं। पुष्प का देखिए मुख्य भाग क्या है? देखिए पुष्प का मुख्य कार्य है कि फल का निर्माण करना। क्या करना? फल का निर्माण करना। पुष्प का जो सबसे अलग भाग दिखता है उसे क्या कहते हैं? मादा। पुष्प के जो अलग भाग दिखता है उसे मादा कहते हैं। देखिए इतना लेक्चर था, इतना हमने आपको बता दिया। अब देखिए हम आपको एक चीज और छूटा है उसको हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आ जाए। देखिए ध्यान से देखते चलिए, देखिए ये जो पुष्प का जो कुमंग है ये तीन भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? देखिए तीन भागों में बटा हुआ है। ओके, देखिए नीचे क्या होता है? पुंकेसर। देखिए ये आपका एक उमंग है, उमंग है। ओके, क्या? पुमंग। देखिए पुंकेसर है पुष्प का। देखिए पुष्प का जो किया भाग है जो नीचे वो लंबा नुमा होता है उसे पुंकेसर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पराग कोष।
क्या बोलते हैं, पराग कोश है, ओके। और जो इसके अंदर देखिए दाननुमा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं, ओके। देखिए इसी तरह जो ये होता है पुष्प का, देखिए पुष्प का, देखिए ये जो ये जयांग है, जयांग की रचना बता देते हैं। देखिए जयांग जो, देखिए जयांग ये बना है, देखिए पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। इसके भी तीन भाग हैं, देखिए क्या है, अंडाशय, क्या है देखिए अंडाशय, देखिए क्या वर्तिका, क्या है वर्तिका, ये क्या है वर्तिकाग्र, क्या है वर्तिकाग्र, ठीक। पाइले देखिए सभी लोग, अगर आप लोगों को आ गया हो तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह आपको करते हुए आएगा। अब आप लोग को इसको बना लीजिए चित्र, कह लीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट उसको बताएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, ठीक। चलते हैं, देखिए इसके बाद हम आपको आपको फल के बारे में बताते हैं। अगले वीडियो हम आपको फल के बारे में बताते हैं, और इसकी नोट भी है, हम आपको नोट उसमें भी देखिए सब आपको कह देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। बाय।